हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। मैं हूं काजल। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं 72 हीरो की सच्चाई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और लोग ज्यादातर इसी बात पर इस्लाम के ऊपर मतलब अलग अलग जो भी मतलब खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं, तो यही है कि 72 हीरे हैं जो मिलेगी जन्नत में। तो देखते हैं पहले। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हुर 72 हुर जो टॉपिक आजकल अंधभक्त की समझ में कुछ ज़्यादा ही घूम फिर रहा है। जिस टॉपिक के बारे में इन अंधभक्त की ग्रुप को कुछ मालूम तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के सामने जाकर ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। हालांकि दोस्तों, जिस धर्म के नाम उनके धर्म की किसी भी एक किताबों में मौजूद ही नहीं है, और ना इन महाशय को अपनी धर्म की किताबों के बारे में कुछ नॉलेज है, फिर भी ये गांडो महाशय लोगों के सामने जाकर ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, जैसे ये एक महाशय इस वीडियो क्लिप में चिल्ला रहा है। तो आइए पहले हम इस क्लिप को देख हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक के ऊपर असलियत को जानेंगे मुफ्ती यासिर नादिम साहब से। तो आइए पहले इस क्लिप को देख लेते हैं। आइए। वो हरामजादा वहाँ बैठ के कह रहा है कि मुझे 72 हूर मिलेंगी है। हाँ। वो साढ़ा 5 फुट का बाइंडिया है वो। अरे तुझे 5 फुट वहाँ 72 हूर तो तुझे मिल जाएगी। वो हूर की हाइट बतावे थारे 130 फुट के, उसका मुँह कैसे देखेगा के करेगा 130 फुट की हूर का है। तुझे तो नू लटका के झुलावेगी वो, वहाँ मिलेंगे तुझे तेल के कढ़ाई ऊपर। अरे भाई, ये तो अंधभक्तों का भी बाप निकला। खैर छोड़ दीजिए ये सब, अब आइए जानते हैं इस हुर टॉपिक की असलियत को मुफ्ती यासिर नादिम साहब से। तो आइए जानते हैं। जो मुस्लिम पुरुष जितने भी नेक अमल करते, चाहे रोजा हो, हज हो, जकात हो, नमाज हो, उसके पीछे उनकी एक ही तमन्ना रहती है 72 हूर्स पाने की। 72 वर्जिन 72 हूरों वाला। और उसके चलते काफी मजाक भी उड़ाया जाता है कि 72 हूरों के लालच के अंदर जो ये टेररिज्म भी उसी की लालच में हो रहा है। तो ये इसके पीछे व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दिस, मतलब ये सच क्या है इसके पीछे कि सही में ऐसे 72 हूरों वाला कुछ है या इसका जिक्र आया हुआ है, ऐसे कुछ है कि क्या 72 हूरों का जिक्र कुरान में कहीं मिलता है? अच्छा, फिर जब इन हूरों का तस्करा किया जाता है ना, तो कहते हैं 72 वर्जिन। खालिस वर्जिनिटी के ऊपर ही जो है निगाह होती है इन लोगों की, और किसी और चीज के ऊपर निगाह नहीं होती। तो देखिए, सबसे पहली बात, कुछ उसूल हैं, उनको समझ लीजिए, और उन उसूल को समझने के बाद आपको बहुत क्लियर चीज वाजे हो जाएगी। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है और उसको अच्छे काम करने का की तरगीब दी, उसको इंकरेज किया है कि तुम अच्छे काम करो, और उसके बाद उसको ये बताया है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें ये नेमतें जन्नत में जाकर मिलेंगी। नेमतों का जिक्र क्यों किया अल्लाह ताला ने? ताकि इंसान को मोटिवेशन मिलता रहे, वो मोटिवेट होता रहे कि हाँ भाई, मैं मुझे नेमतें मिलनी है आगे चलकर, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज है, ठीक है। अब आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, और स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाते हैं, क्यों मेहनत करते हैं भाई? इसलिए मेहनत करते हैं कि उन्हें पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी आगे की जिंदगी अच्छी होगी, बेहतर हो जाएगी, इसलिए मेहनत करते हैं ना। लेकिन अगर उनको हमारे प्रधानमंत्री ये बता दें कि नहीं, सबको पकोड़े बनाने, चाहे आप डॉक्टर बनो चाहे आप इंजीनियर बनो, बनाने पकोड़े हैं, तो अब मुझे बताइए कि सब सारी यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी। वो सोचेगा कि यार, मुझे डॉक्टर बनने के क्या फायदा, मुझे इंजीनियर बनने के क्या फायदा, मुझे तो पकोड़े बनाने, तो वो लगाएगा ना। तो उसके सामने जो है मोटिवेशन के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए, ये एक फितरी चीज है, एक नेचुरल चीज है। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है जन्नत का और नेमतों का कुरान करीम में जिक्र करता है, ताकि इंसान जो है वो मोटिवेटेड रहे, ठीक है, और झूठ नहीं बोलता, बल्कि वो चीजें सच्ची हैं। अब पहली बात तो ये है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये जवाब थोड़ा सा डिटेल है, मैं इसलिए अपने नाज़रीन से भी कहूंगा, ये आखिरी सवाल आपने पहले ही कह दिया, और इसके बाद इंशाल्लाह मुख्तसरन करके आज रैप अप करते हैं। बिल्कुल, कुछ उसूल और समझ लीजिए। सबसे पहला उसूल ये है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम हमें बताए हैं दुनिया में, कमोबेश जितने भी हैं, कमोबेश मर्द और औरत के दरमियान कोई फर्क नहीं है। नमाज औरत को भी पढ़नी है, मर्द को भी पढ़नी है, जकात औरत को भी देनी है, मर्द को भी देनी है, कोई फर्क नहीं। ऐसे ही दूसरी बात यह है कि जो सवाब है, सवाब में भी कोई फर्क नहीं मर्द और औरत के दरमियान। अगर जन्नत में मर्द को जाना है तो औरत को भी जाना है, ठीक है। अगर जन्नत में मर्द के लिए महल होगा तो औरत के लिए भी होगा। अगर जन्नत में और मर्द को जो है वो VVIP सर्विस मिलनी है तो औरत को भी मिलनी है जन्नत। इनमें कोई फर्क मर्द और औरत के दरमियान नहीं है। तीसरा उसूल, आपकी जो वीडियो है थोड़ा सा अटक गई है, लेकिन मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूं। तीसरा जो उसूल है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए जितनी भी नेमतें दी हैं
वो सारी कुरान में जिक्र नहीं की, जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए रखी हुई हैं वो सारी कुरान में मौजूद नहीं है, कुछ मौजूद है। मकसूद भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ। तो कुछ नेमतें जिक्र हैं, कुछ नेमतें जिक्र की हैं, कुछ नेमतें अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं की, ठीक है। ऐसी नेमतें हैं जिनका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता। और आगे चलिए, अल्लाह ताला ने जन्नत का ये उसूल बयान किया है कि इंसान जो चाहेगा उसको मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुछ चाहे और उसको ना मिले, जो चाहेगा उसको मिलेगा, ठीक है। आखिरी उसूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे जवाब की जो बुनियाद है वो ये उसूल है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों की जो तशरीह, जो इंटरप्रिटेशन कुरान में की है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में की है, वो इंटरप्रिटेशन इंसान की फितरत को सामने रखकर की है। मर्द की फितरत क्या है और औरत की फितरत क्या है, ठीक है, उसको सामने रखकर की है। मिसाल के तौर पर कुरान में सिर्फ ये नहीं है कि अगर एक इंसान मुसलमान मर जाएगा तो फौरन जो है उसको हूरे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान में और भी नेमतों का जिक्र है कि वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में बागात होंगे, जन्नत में नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, उसमें महल्लात होंगे उसके, ये सारी नेमतें हैं। अजब फितरतन एक इंसान ये सवाल करता है कि अच्छा भाई जब मुझे सारी नेमतें मिलनी है तो मेरी फैमिली का क्या होगा? तो फैमिली का जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि फैमिली का ये होगा कि अल्लाह ताला ने एक मुसलमान के लिए, एक जन्नती के लिए उस पाक बाज पाकीजा हयादार बीवियां बनाकर रखी हैं। फैमिली का जिक्र अल्लाह ताला ने कर दिया, चूंकि एक फितरी सवाल है, एक फितरी क्वेश्चन है, उस सवाल का जवाब देना ये जरूरी था चूंकि इंसान के दिल में यह सवाल पैदा हो सकता था। अब यहां सवाल यह होता है कि भाई ठीक है चलो अल्लाह ताला ने फैमिली का भी जिक्र कर दिया, लेकिन 72 हूरों का क्या मतलब है? एक हूर काफी थी, एक मर्द एक औरत। तो भाई उसका जवाब यह है कि हम तो दुनिया में भी जेंडर इक्वालिटी नहीं मानते, जन्नत में तो क्या मानेंगे, हम जेंडर जस्टिस में बिलीव रखते हैं, जेंडर इक्वालिटी में बिलीव नहीं रखते। ये जो कुछ लोग सवाल करते हैं ना कि भाई एक औरत एक हूर होनी चाहिए थी एक जन्नती के लिए, ये वो लोग हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी के नाम से मरे जा रहे हैं। मैं उनसे ये पूछता हूं कि अगर जेंडर इक्वालिटी इतनी ही अहम है तो मुझे बताओ कि क्या मर्द कभी प्रेग्नेंट होता है? तो आप जो काम औरत करती है वो मर्द कर ले अगर जेंडर इक्वालिटी का इतना ही शौक है? फितरत के खिलाफ है ये चीज, आप फितरत से जंग नहीं लड़ सकते, फितरत के आप का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हम तो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते ही नहीं, हम जेंडर जस्टिस में बिलीव करते हैं, और ये जस्टिस के बिल्कुल ऐन मुताबिक है कि एक इंसान को मल्टीपल वाइव्स मिले। दुनिया के अंदर एक मुसलमान के लिए इजाजत है कि वो 4 बीवी रख सकता है, अगर दुनिया में 4 रख सकता है तो वहां 400 रख सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, चूंकि जेंडर जस्टिस के मुताबिक है। कैसे मुताबिक है इसको सुन लीजिए आप, और उसके बाद फिर मैं रैप अप करता हूं। हमारे जो मकसूद भाई हैं, लगता है उनका कनेक्शन कुछ वीक है। देखिए, जब इंसान जन्नत में जाएगा तो अल्लाह ताला का ये ऐलान है कि न तो वहां उसको कभी मौत आनी है, न उसको कभी कोई बीमारी आनी है, कोई बीमारी उसको नहीं होगी। अब बीमारी किसे कहते हैं? एक तो हमारी जिस्मानी बीमारी होती है कि एक आदमी को नजला हो गया, बुखार हो गया, और उसको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मसलन कैंसर है किसी को, कुछ है किसी, ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां जन्नत में नहीं आती। इसी तरीके से जो रूहानी बीमारियां हैं, रूहानी बीमारी का मतलब जो दिल की बीमारियां हैं जिसका ताल्लुक रूह से है, वो भी जन्नत में नहीं होनी। रूहानी बीमारियां कौन सी हैं? मसलन किसी को जलन है किसी से, हसद है, ठीक है, ये सारी रूहानी बीमारियां हैं, ये भी नहीं होंगी। अब आप एक बात बताइए कि अगर एक आदमी की 2 बीवियां मसलन हैं तो उन दोनों में आपस में ऐसी क्या चीज है कि जो एक दूसरे को बुरा समझेगी? यानी एक आदमी या कोई भी मजहब 2 बीवियों को एक वक्त में क्यों बुरा समझता है? वो ये समझता है कि यार ये तो औरत के ऊपर बड़ा जुल्म है। वो इसलिए जुल्म है कि एक औरत कभी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि वो अपने शोहर को दूसरे के साथ शेयर करे, और यही वजह होती है कि जब 2 बीवियां एक मर्द की हो तो दोनों एक दूसरे से जलेंगी, दोनों में एक दूसरे से हसद होगा, कॉम्पिटिशन होगा, और शोहर जो है वो दोनों का हक अदा नहीं कर पाएगा। तो भाई जब जन्नत के अंदर मर्ज ही नहीं होना, ना तो जिस्मानी मर्ज होना ना रूहानी मर्ज होगा, और रूहानी मर्ज के अंदर जलन भी और हसद भी है, तो ना कोई आदमी को किसी से जलन होगी ना किसी से हसद होगा। तो वो जो 70 बीवियां किसी इंसान को मिलेंगी तो वो आपस में एक दूसरे से जलन नहीं रखेंगी, आपस में एक दूसरे से हसद नहीं रखेंगी, तो फिर जो जेंडर जस्टिस है उसका कोई सवाल वहां पर कभी होगा ही नहीं, ठीक है। अब आप एक सवाल लास्ट ले जाता है जो मकसूद भाई ने किया नहीं लेकिन मैं जवाब दे दूं, वो ये है कि भाई मर्द ही को हूरें मिलेंगी और औरत के लिए क्या, औरत के लिए क्या पैकेज है? मर्दों के लिए तो पैकेज बता दिया आपने, औरत के लिए क्या पैकेज है? मैंने जो जवाब दिया था शुरू में वो ये दिया था कि अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमतों की जो तशरीह की है,
वो इंसान की फितरत को सामने रखकर की है। एक पाकबाज पाकीजा औरत से ये सवाल कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कोई ये पूछे कि भाई मेरे मेरे कितने हस्बैंड होने चाहिए। हाँ, मर्द तो ये सवाल कर सकता है कि कितनी बीवियां होंगी, ये उसके नेचर में है, लेकिन एक पाकीजा औरत के अंदर ये सवाल कभी भी जन्म नहीं ले सकता कि वो पूछे कि मेरे कितने हस्बैंड होंगे, मैं तो जब जन्नत में जाऊंगी कि जब मेरे 72 हस्बैंड हो। अगर कोई औरत ऐसा सवाल करती है तो याद रखिए वो पाकबाज नहीं है, और पाकबाज औरत को तो जन्नत में जाना ही नहीं है। चाहे जाए कि वो ये कहे कि भाई मैं जन्नत में जब जाऊंगी जब मुझे 72 हस्बैंड मिलेंगे, तो भाई तुम्हें आने को कौन कह रहा है, तुम बाहर ही रहो। अंदर तो वो जाएगा जो पाकबाज होगा, और पाकबाज औरत से ये सवाल कभी नहीं मुतवक्के है। हाँ, अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया कि वो जो चाहेगी उसको मिलेगा, मर्द जो चाहेगा उसको मिलेगा, औरत जो चाहेगी उसको मिलेगी, ये उसूल दे दिया। लेकिन उसकी जो तशरीह की है, उसके जो इंटरप्रिटेशन किया है, वो इंसान की फितरत को सामने रखकर किया है, मर्द की फितरत को और औरत की फितरत को सामने रखकर। अब हमारे नजदीक, मुसलमानों के नजदीक, हूरों का जो तज़किरा कुरान करीम में आया है, और लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो 72 वर्जिन बाकिरा औरतों की वजह से सारे काम करते हैं, ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है, एक्यूजेशन है, झूठ है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सिर्फ इस बात का जिक्र किया है कि बंदे को, नेक बंदे को बीवियां मिलेंगी, पाकबाज बीवियां मिलेंगी, ठीक है, हयादार बीवियां मिलेंगी। हमारे लिए एक औरत का पाकबाज होना, हयादार होना अहम है, और यह अहम नहीं है कि वो वर्जीन है या नहीं है। हाँ, यह अलग बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उसका तस्किरा किया है, उसकी पाकबाजी को साबित करने के लिए यह बयान किया है कि किसी मर्द ने, किसी जिन ने या किसी इंसान ने उसको कभी छुआ नहीं, ठीक है। हमारे लिए वर्जिनिटी किसी की अहम नहीं है, बल्कि पाकबाजी अहम है। बिल्कुल ऐसे ही पाकबाजी अहम है जैसा कि राम जी के लिए सीता जी की पाकबाजी अहम थी, उनका पाकदामन होना अहम था। क्या सीता जी अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरी? क्यों अग्नि परीक्षा से गुजरी? इसलिए गुजरी कि उन्हें अपना पाकदामन होना साबित करना था। तो राम जी के लिए तो एक औरत का, उनकी अपनी बीवी का पाकदामन होना अहम हो, इसलिए उनकी बीवी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। और मुसलमानों के लिए, अहले जन्नत के लिए, जन्नत में जो बीवियां उनको मिल रही हैं, उनका पाकदामन और पाकबाज होना अहम ना हो, ये क्या बात हुई? ये तो अजीब लॉजिक है। तो याद रखिए कि कुरान करीम में एक तो 72 का तस्किरा कहीं नहीं कि 72 हूरें मिलेंगी। हाँ, हदीस में उसका तस्किरा आया है कि एक शहीद को 72। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, और ये सवाल भी मतलब जायज है कि 72 हूरें मिलेंगी, तो मतलब दूसरे धर्म वालों को तो ये खटकेगा ही कि ऐसा कैसे कह सकते हैं, और ये थोड़ा अजीब भी लगता है सुनने में, पर इन्होंने बहुत अच्छे से उसका जस्टिफिकेशन दिया, और मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया कि क्या है असल में वो 72 हूरों का जो भी है वो सच है, पर लोग जो इस दुनिया में जो दुनियावी लोग है उनको एक मतलब अच्छाई दिखे जन्नत की, और वो अच्छे काम करते रहे। हाँ, और इंसान की फितरत होती है, अगर उसे कुछ लालच दिया जाए तो वो अच्छे काम करता ही है, जैसे कि उसे अपेक्षा हो, और जो इंसान बहुत नेक होते हैं वो मतलब फल की अपेक्षा नहीं करते, जैसे कि वो अपने काम करते रहते हैं, उसके बदले में उसे क्या फल मिलेगा उसे कुछ लेना देना नहीं होता, वो जन्नत मिलेगी या जहन्नम वो अपने हिसाब से काम करते रहता है। लेकिन अगर ऐसे बहुत से इंसान हैं जो मतलब फल की अपेक्षा से काम करते हैं, और आजकल तो मेरे ख्याल से ऐसे मतलब थोड़े ही लोग होंगे जो सच्चे दिल से काम करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कुछ पाने के हिसाब से काम कर रहे हैं अच्छे काम, तो इसी वजह से कुरान में जिक्र आया है कि 72 हूरें मिलेंगी। और अगर आप छोटे बच्चों को भी कह दें कि हम आपको चॉकलेट देंगे तो आप ये काम कीजिए, तो वो करता ही है, तो वैसे ही है, अगर मतलब लोगों से अच्छे काम करवाने हैं तो उन्हें ऐसा दिखाना बहुत जरूरी था। और ऐसी बात नहीं है कि ये झूठ कहा गया है। हाँ, ये सच ही है, और लेकिन पहले बताया गया है कि क्या होगा, तो बाद में अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह को भी मालूम है इंसान की फितरत क्या है। हाँ। इंसान के दिमाग में क्या चलता है, उसे क्या चाहिए, तो वो कुछ करेगा, तो इस वजह से ये सब कुछ कुरान में लिखा गया है। हाँ, और मतलब पहले के वीडियो में जो वो जो भाई थे उन्होंने जो बातें कही मुझे, मतलब किसी के धर्म के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी भी, और मतलब मुस्लिम धर्म के लोगों को भी नहीं कहना चाहिए हिंदू धर्म के बारे में कुछ, तो ये सब कुछ बातें हैं मतलब इस्लाम धर्म के,
तो क्योंकि मुस्लिम एक मतलब सिर्फ कास्ट है लेकिन धर्म तो इस्लाम है, तो उनके मतलब धर्मियों को भी हमारे मतलब हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, और हिंदू लोगों को भी कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसी कोई बातें छेड़े, ऐसी कोई बातें कहे जो किसी को हर्ट हो। क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं तो बोल के कुछ हाँ, फायदा ही फायदा भी नहीं। नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए हम अगले वीडियो में देखते हैं।